नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुजरात पुलिस में भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की। आज हम इसी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, किस पद के लिए कितनी पोस्ट है, इसके अलावा क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांग गई है, फिजिकल प्रोसेस क्या है, इन सभी के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 12,472 आपके टोटल पद हैं और पद रहने वाले आपके कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के हैं। किसमें? गुजरात पुलिस में। फॉर्म की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन डेट दी गई है 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहले आपका फिजिकल होगा, यहाँ पर फिजिकल ही एफिशिएंसी टेस्ट जो पीटी होगा, उसके बाद आपका पीएसटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जो आपका रिटर्न एग्जाम भी आपके दो इसमें रिटर्न एग्जाम होंगे, प्री या मेन, या फिर कह लो एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम सेकंड। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो इसमें जो आपका फिजिकल है वो पहले होगा, एग्जाम आपका बाद में होगा, पहले फिजिकल होगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा। आगे देखते हैं हम इसमें। अभी फॉर्म देखा हमने कि 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल की जो फीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस वो रहने वाले यहाँ पर 100 रुपए। बाकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूआई एक्स सर्विसमैन, इन सभी का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा फॉर्म भरते समय। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसियां दे रखी है पोस्ट वाइज, तो पोस्ट के नाम देख लेते हैं और टोटल वैकेंसियां देखते हैं आप। यहाँ पर है अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल के पद है 316, अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर फीमेल के पद है 156, अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल मेल के पद है 4,422 और अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल फीमेल के पद हैं 2,178। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के पद हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट के 2,212, फीमेल्स के पद हैं 1,090 और यहाँ पर दिया गया है एसआरपीएफ के पद हैं यहाँ पर 1,000, जेल स्पॉय के हैं यहाँ पर 1,013 और यहाँ पर फीमेल के दे रखे हैं यहाँ पर 85 पद। तो टोटल आपके पद हो गए 12,472 आपके टोटल पद है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपके टोटल पद दे रखे कि किस पद के लिए, किस पद के लिए किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट आपकी बांटी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और कांस्टेबल पद के लिए 12th पास होना आवश्यक है। अगर आप 12th पास हो तो ही आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो। आगे हम बात करें एज लिमिट की, तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपकी एज रहनी है यहाँ पर मिनिमम एज है यहाँ पर 21 साल, मैक्सिमम है 35 साल। कांस्टेबल पद के लिए 18 से लेकर 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको छूट मिलती है वर्ग अनुसार, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है शेड्यूल कास्ट का दे रखा है 5 साल का और यहाँ पर एससी को भी 5 साल की छूट मिलती है और एसटी को भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीएससी टेस्ट के बारे में और पीएससी टेस्ट है किनके लिए, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जनजाति दी गई है जो है गुजरात की, तो उनकी हाइट रहने वाली है 162 सेंटीमीटर, छाती का विस्तार है यहाँ पर 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर, अन्य की जो यहाँ पर हाइट रहने वाली है वो है 165 सेंटीमीटर और छाती का विस्तार है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। फॉर फीमेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फीमेल भी दे रखी है, फीमेल है आपकी वही जो गुजरात के जो जनजाति है उनकी हाइट रहने वाले फीमेल की 150 सेंटीमीटर और जो अन्य है जनजातियों को छोड़कर उनकी हाइट रहने वाली यहाँ पर 155 सेंटीमीटर।
आप पीटी टेस्ट को देखें हम तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 5000 मीटर की रनिंग करनी है और यह दूरी आपको 25 मिनट में तय करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग करनी है और यह दूरी आपको 9 मिनट 30 सेकंड में पूरा करनी है। एक्स सर्विसमैन को 2400 मीटर की रनिंग करनी है और यह दूरी 12 मिनट में पूरी करनी है। आगे हम देखें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम पैटर्न है, यह है एग्जाम प्री कह लो या फिर पेपर फर्स्ट कह लो, यह प्री और यह आपका मेंस एग्जाम। तो प्री में जो आपका प्री एग्जाम होगा ना, इसमें भी आपके दो पार्ट होंगे। तो पहले पार्ट है, पार्ट फर्स्ट में आपके रीजनिंग और मैथ्स और इसके अलावा गुजराती लैंग्वेज से आपके रीजनिंग से है 30 क्वेश्चन, यहाँ पर मैथ्स से है 30 क्वेश्चन और इसके अलावा गुजराती लैंग्वेज से है 20 क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे आपके और इन 80 क्वेश्चनों को जो हल करने का जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और पार्ट जो बी है आपका, पार्ट बी में आपके संविधान से क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, इसके अलावा करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जीके से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री और कल्चर हेरिटेज एंड ज्योग्राफी और गुजरात एंड इंडिया इनसे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो टोटल अगर प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। यहाँ पर मेन एग्जाम में भी दो होंगे इसमें एग्जाम, तो एग्जाम में मेन एग्जाम में भी दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके एमसीक्यूज आएंगे, जनरल स्टडीज से आएंगे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और जो आपका पेपर सेकंड है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपका गुजराती लैंग्वेज स्किल का होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। टोटल अगर हम बात करें आपके मेंस जो गुजरात पुलिस का मेंस एग्जाम है उनका दोनों पार्टों को मिला के, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर, तो टोटल होते हैं आपके 300 क्वेश्चन 300 नंबर के और 6 घंटे का आपको समय मिलेगा इस मेंस एग्जाम को करने के। प्री में मिलेगा आपको 3 घंटे का समय, मेंस को हल करने के लिए मिलेगा आपको 6 घंटे का समय। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये हमें संपूर्ण जानकारी आपकी गुजरात पुलिस भर्ती से संबंधित जानकारी। अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।